हेलो कर दो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सप्तमी और शनिवार, और एक सेकेंड लाइट से हो, तो बज रहे हैं दिन का 1:30 बज रहे हैं। और अभी आज मैं जिया को देने वाली हूँ उसका फर्स्ट खाना। और पता है आपको, कल का जो दिन था, मैंने व्लॉग शुरू किया था पर मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग किया, फिर मैंने व्लॉग नहीं किया। डू की रिपोर्ट आने वाली थी, उसका दोबारा से स्टूल टेस्ट कराने के लिए दिया था, तो ब्लीडिंग हो रही है, स्टिल अभी भी हो रही है, और उसको कट गया है। फिर हमने बाद में देखा तो ब्लड में कोई भी ट्रेस नहीं हुआ, मतलब कि अंदर से नहीं है ब्लीडिंग। तो पहले एक बार करा चुके थे। डुगो भी हम खेलेंगे नहीं अभी, तो मैं जा रही हूँ आलू के पराठे बनाने हम लोगों के लिए, और डुगो भी आलू के पराठे खाएगा, और जिया के लिए बनाने जा रही हूँ मैं एप्पल प्यूरी। तो देखते हैं उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले जो एप्पल्स हैं वो स्टीम करने रख रही हूँ। हाँ बेटा आ जा, चलो। तो सबसे पहले चलिए एप्पल्स को स्टीम करने रखते हैं। तो मैं 2 एप्पल पील कर रही हूँ, लेगा उसमें से, और जिया के लिए मैं निकाल दूंगी। तो टुगु अपना एप्पल लेगा इस टाइम पे, और एप्पल देखो कैसा हो गया है यहाँ पर। स्टीम होगा, मैंने बर्तन में पानी रख दिया, उसके ऊपर मैंने छन्नी रख दिया। डुगो के एप्पल मैंने ऐसे स्टीम करे हैं जब डुगो ये सब खाता था। तैयार है ना? तो जिया खाने के लिए तैयार है। और मामा तुम जल्दी बना रही हो या मैं गुत्थो हो जाऊं? खालो बेटा आइसक्रीम, आइसक्रीम। तो यहाँ पे हो गए जिया के एप्पल स्टीम। अभी ना मैंने ठंडा कर रही हूँ, आटा मैंने लगा लिया, जल्दी से मैं आलू के पराठे की तैयारी कर रही हूँ, भूख लगी बहुत जोर से। तो मैंने ना ये जार ले लिया, और इसमें अब मैं जो एप्पल है स्टीम्ड एप्पल वो डाल रही हूँ। जिया जो दूध पीती है, अगर आपका बच्चा मदर फीड ले रहा है तो आप मदर फीड डाल सकते हो, गाय का दे रहे हो तो गाय का डाल लो, है ना। ये फेरिक्स लेती है, तो इसमें मैं 2 चम्मच फेरिक्स डालूंगी। बेटू क्या हो गया? हाँ आ रहा है खाना, जिया खाना मांग रही। इसमें मैंने ना 60 ml पानी ही मिलाया है, क्योंकि दूध का पाउडर था डायरेक्ट। मैं गिरा भी रही हूँ इसे, वैसे इतना अच्छा है मामा, फिर तुम गिला भी लाई हो। मुझे पता नहीं है पर कि जिया खाएगी या नहीं खाएगी। तो एप्पल जब भी बच्चों के बना रहे हो तो वो टेस्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि एप्पल खट्टे रहते हैं ना, फिर वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं जाता है। डुगो को भी मैं ना एप्पल प्यूरी मिल्क के साथ, मुझे कुछ लोग कहते थे यार डायरेक्ट ऐसे दे दो, पर मैं मिल्क के साथ देती थी और उसको काफ़ी पसंद थी। तो चलिए जिया को लेके चलते उसका पहला खाना खिलाने, पहला बेबी फूड। हमारे पुश्तैनी बेबी डुगो जिया है। तो जिया की पूरी नजर है अपने खाने पे। आजा 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 आजा। मैं क्या करूं तुमको बताना यार, जब पापा का खेल, जब पापा को पाव पड़ा के लाओ। कुछ नहीं, नाच नाच नाच।
तो लाइट चली गई है और इन्वर्टर से चल रहा है। डुगू का एक पतला सा पराठा बना रही हूँ। तो डुगू को आजकल मैं अपने जैसे खाना ही देने की कोशिश करती हूँ। तो ये छोटा सा पराठा डुगू का है, ये अपना खाना खाएगा। डुगू भूख लगी है, किसको किसको डुगू आलू आलू का पराठा खाएगा आज। देखो आलू आलू का पराठा, तो उसको ना छोटा पराठा देती तो छोटा पराठा अच्छा लगता है, तो एक ही लेगा वो। तो खाना करके मैं आ गई और अभी हम लोग खाएंगे। प्लम्बर लगा के रखा हुआ था क्योंकि नल लीक हो रहे थे हमारे घर के, तो वो भी सही कराए हैं। अब इलेक्ट्रिशियन आएंगे। पीछे के रूम में फ़ैन करवाना, इतने मच्छर काटते हैं वहाँ पे। कूलर लगा के रखा हुआ है पर मच्छर भी बहुत हो रहे हैं और फ़ैन की ज़रूरत रहती है क्योंकि ठंड भी आ रही है ना, तो एसी तो नहीं चलेगा। कभी हल्के फ़ैन की ज़रूरत हो। क्या हो गया सर, हमें काजल लेके हमें फैला हुआ। हालत काफ़ी ज़्यादा बैंड हो गई है। और डुगू ने अपना खाना खा लिया है, जिया ने खा लिया। जिया जिया बाबू, अरे 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 ओ शिट ओ शिट। आय कर दो फ्लाइंग किस, कर फ्लाइंग किस, नहीं 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 फ्लाइंग किस कर दो पहले, फ्लाइंग किस। या हाँ हाँ क्या, कुछ नहीं करना, मैं बस आ रही हूँ एक मिनट। अब खाना मैंने बनाया 1:30 बजे, ये लगे हुए थे फिर तो राजा नहीं खाएंगे तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था खाने का, तो ये हो गई है। यहाँ पे शाम हो रही है। मैंने भी यहाँ थोड़ा सा क्लीन किया था वैक्यूम लगा के। हाँ बेबी, और ये घर साफ करना है मुझे, ये थोड़ा सा अलग करना है, यहाँ से कपड़े फोल्ड करके रखने हैं और बाकी हमारा अधिक आ गया है। बाय बाय। तुम्हें फैन लग गया है और ना मैं इतनी पागल टाइप की हो गई हूँ, ऐसा लग रहा है मैंने तब से काम के लिए कल परसों बाई नहीं आएगी, तो 2 दिन ना अभी बाई नहीं आएगी कल और परसों। तो ना बर्तन कर रही थी, साथ में ना घर साफ ना और रसोई साफ करने में लगी थी। इतना गंदा करके रखा फ्रीडम नीचे एरिया और मेरे को तो टाइम मिल नहीं पाता है कि मैं इतना करूँ। तो मैंने बर्तन पूरे धोए हैं, कब से लगी हुई हैं बर्तन, थोड़े 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 कर कितने निकल जाते हैं कुछ में। फिर मैंने ये जो है ये साफ करी यहाँ की और ना हाँ मैं थोड़ा वहाँ से सफाई करनी है। फिल्टर के नीचे बहुत गंदे करके रखा हुआ है। क्या होता है ना, आप जैसे काम करते हो आपके हाउस में कभी काम नहीं कर सकते। तो अब मैं अपना थोड़ा हुलिया सही करने आई हूँ। ये रूम में यहाँ लगा है यार फैन, पता है उन्हें खोला है, यहाँ आग लगने वाली थी, पूरा जला हुआ था अंदर से। अभी जो 3 लाइट है ना लगातार वाली, वो नहीं जलेंगी, तो फैन कनेक्शन की बहुत ज़रूरत थी। अब देखिए ऊपर ही मच्छर उड़ रहा है यार, मच्छर बहुत काट रहे थे इस रूम में। या तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कूलर लगा लो या मच्छर से कटवा लो, तो कूलर के लिए जगह नहीं होती इतनी यार, बच्चे भरते रहते हैं क्योंकि रूम इतना बड़ा है नहीं, है ना। तो यहाँ पे सब कुछ गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि खुदाई खुदाई करी नहीं वहाँ से। चला दो। तो मैं थोड़ा सफाई करने आई थी, फिर मैं अपने कपड़े चेंज करूँ। झाड़ू लगाने से पूरे में मुरमुरे गिरा दिए। डुगरी
बहुत अच्छे से सबने खा रही है क्योंकि हम लोग लेट हो जाएंगे अभी। हम लोग आज सप्तमी है, आज बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। अंगूठा डाल रही है बेटा, अंगूठा डाल दो प्लीज, जल्दी से खा लो, फिर हमको घूमने जाना है ना, घूमी घूमी जाना है, दुखी घूमी घूमी जाएगी हमारी जी। हो कैसा लग रहा है आपको छेल, कैसा कैसा इनको खिला रहे खाना, मैं हो गई तो यार उसके दोनों बच्चों को तैयार कर रही हूँ। मैंने ये वाला टॉप पहन लिया अपना, मैंने पहले सूट पहना था, मेरे को लगा बच्चों का दिक्कत होती है, चुन्नी इधर जा रही है वो उधर जा रही है, इन लोग खुद का एक कपड़ा रखना पड़ता है क्योंकि साथ में तो चुन्नी रखो कपड़ा रखो, और ऐसा होता है कि चुन्नी नीचे गिर जाती है कपड़े नीचे गिर जाते हैं। जिया का पेट भर गया, डुगू को ना साइड में प्याज नहीं डाली थी हम लोगों ने, और हम लोगों को क्या होता था जब हम लोग जाते थे ना बाहर तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और वो खाता ही नहीं था, मैं लेके जाती थी पर वो खाता ही नहीं था। तो जिया को मेरे को ऐसा लगा कि इसको थोड़ी बहुत आड़ रहनी चाहिए कि कभी आप लोग जैसे बाहर जा रहे हो पता नहीं लाइट कैसी आ रही है, तो एटलीस्ट बच्चा कुछ खा तो ले। तो मैं यहाँ पे सैलेड खा रही हूँ जो मज़े है, मुझे सैलेड बहुत अच्छा लगता है यार, जज मत करिए, मुझे सैलेड बहुत अच्छा लगता है। उसे छोड़ दिया, मेरे को लगा मैं खा लेती, डुगू नहीं खाता है, डुगू अभी भी लेके जाऊंगी ना तो गंदा सा मुंह बनाता और भाग जाता है। तो यार मैंने पूरी रसोई क्लीन करके रखी है क्योंकि कल हाउस हेल्प नहीं आएगी, तो काम वाम पूरा निपटा के हम लोग जा रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को रेडी करने, रेडी कर ले बच्चों को, चलो जी अभी हो गई हमारी तैयार। तो मैंने इसका पता नकली चुट लगा करके मैं अभी अलग कर दूंगी पर एक बार राजा को दिखाने के लिए। तो हम लोग तैयार हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं देवी जी घूमने। अगर आप जबलपुर में रहे हो पहले तो आप लोग जानते होंगे कि देवी जी की क्या वो रौनक होती है यहाँ पे, स्पेशली सप्तमी अष्टमी और नवमी में सब लोग घूमते हैं, है ना डिगू, और हम लोग भी घूमेंगे, हम लोग फिर बाहर ही खाना खाएंगे क्योंकि इस टाइम पे रात के 3-4 बजे सब खुला रहता है यहाँ पे। और ये हमारी जिया का आउटफिट, जिया ने पहना है आज शॉर्ट, एक मिनट, जिया ने पहना है आज शॉर्ट्स अपनी ये वाले ब्लैक वाले, और इसने पहनी है ये टॉप, इसकी मैंने दो चोटी बनाई। मैं बताती कमेंट कि आप इसकी चोटी को टाइट करके रखते हो, तो इसकी चोटी टाइट नहीं है, मैंने हल्के हाथ की लेक कम ही वो करी है, ये ना क्लचर वाले हैं जो मैंने लगा के रखे हुए इसके। तो अभी राजा आएंगे उसके बाद निकाल के चलेंगे ऑब्वियसली, ये परेशान हो गए ना इसलिए। आ जाओ बेटा आ जाओ, ये हमारा छिटको, ये तो कपड़े पहनने को तैयार ही नहीं होता है उसको, वही मैंने पहनाया, बड़ी मुश्किल से डायपर पहना है इसने और बड़ी मुश्किल हो जाती है इसको कुछ भी पहनाने की। अच्छा पूरा दिन नस्ल मैं बहुत अच्छे से ब्लॉग करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, पर काम करते 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 पूरा दिन निकल गया यार और पता भी नहीं चला। तो कोई ना आपको चलिए चलते हैं जबलपुर की मातरानी दिखाते हैं क्योंकि आज जिया ने अपना पहला खाना टेस्ट किया है और जिया तो बहुत खूबसूरत लग रही है, क्योंकि जिया को चलते देखते रहो बस। नींद आ गई क्या, नींद दुगु बता दो कौन सा चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए क्या चाहिए।
वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल रात को हम लोग पता काफ़ी लेट हो गए थे और ना आने में हमें 3:30 बज गए थे। हम लोगों को और भी घूमने का प्लान था पर हम लोग काफ़ी लेट निकले, फिर आए काफ़ी लेट। बच्चे दोनों सो गए थे कारी में और आने के बाद फिर उनको सुलाया है। ऊपर ही चढ़ते हैं उसे अलमारी में, उसे मतलब खिड़की में ऊपर चढ़ना है। गु को ना बहुत ज़्यादा शौक हो गया कि उसे ट्रक, बस और कार, तो ये वाला ट्रक डुगू के लिए ख़रीदा है। इसमें डुगू का बुग्गू भी आ जाएगा और वो ऐसे घूमेंगे ऐसे, है ना। हाँ, तो इसके लिए ट्रक खरीद के लाए और ये ट्रक में ही रख के लाया था अपने बुग्गू को। तो मैं बुराला से वही कह रही थी अगर डुगू को गिफ्ट देना है या कुछ देना है तो ऐसे ट्रक, जो रिमोट वाली बस या रिमोट वाली कार आती है वो बहुत इंजॉय करता है। ये देखिए, ये जो है इसमें रिमोट वगैरह कुछ नहीं है बट इसको बहुत पसंद है। बुग्गू लेट गया इसमें, अब जा रहा है, एकदम सेट हो गया है ना बुग्गू। उस हेल्प जो है वो 9वीं तक छुट्टी पे है, मतलब 9वीं वाले दिन भी नहीं आएगी, वो दशहरा वाले दिन आएंगे, है ना। तो चलिए मैं थोड़ा बहुत जाए वाले क्लीन करूँ, मैं करी आप इस वीडियो को एंड और मुझे बेड एडिट भी करना है और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सबको अ वेरी हैप्पी दुर्गा अष्टमी।